हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जेनाइटल प्रोलैप्स, ये गायनेक का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गो टू द टॉपिक। लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। दिस इज हर्निएशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स थ्रू द वजाइना। नॉर्मली व्हेन वीमेन स्ट्रेन्स नाइदर द वजाइनल वॉल्स नॉर द यूट्रस डिसेंड्स। सो जेनाइटल प्रोलैप्स जो है, इसमें ये हर्निएशन वर्ड यूज हुआ है। सो हर्निएशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गन अपना नॉर्मल स्पेस या प्लेस को छोड़कर किसी और कैविटी में प्रोट्रूड होने लगता है, सो उसे हर्निएशन कहते हैं। तो यहाँ पर पेल्विक ऑर्गन जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर प्रोट्रूड हो रहा है। और बिफोर वी गो फर्दर इन द टॉपिक, लेट्स सी द एनाटमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दिस इज़ द लैटरल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज यू कैन सी, दिस इज़ ओवरी, दिस इज़ फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज़ यूट्रस। एंड यूट्रस के बाद में ये है वजाइना, और वजाइना में ये जो एंटीरियर वजाइनल वॉल है और ये जो है पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है। एंड यू कैन सी दैट एंटीरियर टू द वजाइना वी हैव यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज़ यूरिथ्रा, एंड पोस्टीरियरली देयर इज रेक्टम। And one more thing I want to show here is this is the peritoneum which is coming. Peritoneum जो abdominal cavity को cover करने वाला, abdominal organs को cover करने वाला जो serous membrane होता है double layer का, वो abdomen के organs को cover करने के बाद नीचे आता है इस तरह से pelvic cavity में, and it is covering the superior part of the bladder. उसके बाद यहाँ से ये turn होके इस तरह से uterus के ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पर यूट्रस के पीछे में आके अगेन इट टेक्स अनदर टर्न एंड इट गोज ऑन द रेक्टम। सो यहाँ पे दो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। सो एज दिस पॉकेट इज फॉर्म बिटवीन ब्लैडर एंड यूट्रस, इट इज़ कॉल्ड वेसाइको यूट्राइन पाउच। एंड दिस वन इज फॉर्म बिटवीन रेक्टम एंड यूट्रस, सो इट इज़ कॉल्ड एज रेक्टो यूट्राइन पाउच। दिस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पाउच ऑफ डगलस। सो नाउ लेट्स गो फर्दर इन द टॉपिक। हम लोग पहले टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में वी हैव फर्स्ट वजाइनल प्रोलैप्स। वजाइनल प्रोलैप्स में डिफरेंट टाइप्स है, जैसे सिस्टोसील, रेक्टोसील, यूरिथ्रोसील एंड एंटेरोसील। सो सिस्टोसील, दिस इज डिसेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विथ एंटीरियर वजाइनल वॉल बिलो द सर्विक्स। इन दिस द ट्राइगोन एंड पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल प्रोलैप्स। दिस इज द मोस्ट कॉमनली सीन टाइप ऑफ प्रोलैप्स। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एज आई टोल्ड, ये जो ब्लैडर है ये एंटीरियर वजाइनल वॉल के वीकनेस की वजह से प्रोलैप्स होके इधर अंदर की तरफ आता है। आई विल शो अनदर पिक्चर, यू कैन सी हियर। ये यूरिनरी ब्लैडर है जो प्रोलैप्स हो रहा है और एंटीरियर वजाइनल वॉल में यहाँ पर आके प्रोट्रूड हो रहा है। ओके, सो दिस इज पिक्चर ऑफ सिस्टोसील। उसके बाद में जो नेक्स्ट है रेक्टोसील, दिस इज डिसेंट ऑफ रेक्टल वॉल विथ मिडिल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। इन सीवियर केस इट कैन प्रोट्रूड थ्रू वजाइनल ऑरिफिस ऑल्सो। सो दिस इज पिक्चर ऑफ रेक्टोसील। यू कैन सी ये पोस्टीरियर वजाइनल वॉल की वीकनेस की वजह से ये जो है रेक्टम इस तरह से वजाइना के वॉल में प्रोट्रूड हो रहा है। ओके, समटाइम्स अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर है तो इट कैन कम डाउन थ्रू द इंट्रोइटस ऑल्सो। ओके, देन थर्ड टाइप इज यूरिथ्रोसील। दिस इज डिसेंट ऑफ यूरिथ्रा विथ लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल। कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टोसील एंड यूरिथ्रोसील, दैट इज सिस्टो यूरिथ्रोसील कैन ऑल्सो को एग्जिस्ट। सो उसके लिए आई एम शोइंग विद दिस पिक्चर ओनली। यू कैन सी दैट लोअर पार्ट ऑफ वजाइनल वॉल में यहाँ पर यूरिथ्रा यहाँ पर से प्रोट्रूड होके यहाँ पे प्रोलैप्स हो सकता है। ओके, सो दैट इज यूरिथ्रोसील एंड इट कैन को एग्जिस्ट विथ सिस्टो यूरिथ्रोसील ऑल्सो। थर्ड एंड देन फोर्थ टाइप इज एंटेरोसील। दिस इज डिसेंट ऑफ पाउच ऑफ डगलस विथ लूप ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू अपर थर्ड ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। सो दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि पाउच ऑफ डगलस क्या होता है। सो यू कैन सी दैट पाउच ऑफ डगलस के थ्रू जो है यहाँ पर इंटेस्टाइन रहता है। पाउच ऑफ डगलस में नॉर्मली यहाँ पे इंटेस्टाइन के लूप्स रहते हैं। सो अगर यहाँ पे वीकनेस होता है तो वो यहाँ से यहाँ पे प्रोट्रूड हो सकता है। यू कैन सी दिस पिक्चर। एक्चुअली दिस पिक्चर इज पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वजाइनल वॉल, मतलब इसमें यू कैन सी कि यूट्रस नहीं है, लेकिन सिंस आई डिडंट गेट अनदर गुड पिक्चर आई टुक दिस। सो एंट्रोसेल में कुछ इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप जो है वो प्रोलैप्स होते हैं थ्रू द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। देन नेक्स्ट टाइप इज यूट्राइन प्रोलैप्स। दिस इज डिसेंट ऑफ यूट्रस थ्रू द वजाइना।
ओके, रेट्रोवर्शन एंड रेट्रोफ्लेक्शन आर कॉमनली प्रेजेंट बाय विच द यूट्रस कम्स इन सेम एक्सिस एज दैट ऑफ वजाइना. सो आई होप यू रिमेम्बर कि हमने जब एनाटॉमी पढ़ा है तो वी नो दैट जो हमारा यूट्रस है नॉर्मली एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स रहता है, यानी वो आगे की तरफ इस तरह से झुका हुआ रहता है. लेकिन जब कुछ वीमेन में ये रेट्रो फ्लेक्स रहता है, यानी कि ये इस एक्सिस में आ जाता है, सेम एक्सिस एज दैट ऑफ वजाइना, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका हुआ रहने की वजह से वो इस तरह से वजाइना के सेम एक्सिस में आ जाता है, तो ऐसे वीमेन में यूट्राइन प्रोलैप्स कॉमनली देखा गया है. सो यू कैन सी वन पिक्चर ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स हियर, सी कि किस तरह से यूट्रस जो है वजाइना के थ्रू प्रोलैप्स हो रहा है. नाउ क्लिनिकल टाइप्स में, सो इन यूट्राइन प्रोलैप्स वी हैव क्लिनिकल टाइप्स ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स. इसमें भी टाइप्स है दो, वजाइनो यूट्राइन प्रोलैप्स एंड यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स. वजाइनो यूट्राइन प्रोलैप्स, हियर प्राइमरी प्रोलैप्स ऑफ वजाइना अकर्स विच ड्रैग्स द यूट्रस डाउन. सो इन दिस व्हाट इज हैपनिंग कि एक्चुअली वजाइना इज गेटिंग प्रोलैप्स, और जैसे जैसे वो नीचे आता है उसके साथ यूट्रस भी खिंचा हुआ नीचे की तरफ आता है. और दूसरा जो टाइप है वो है यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स, हियर प्राइमरी डिसेंट ऑफ यूट्रस कॉज इन्वर्शन ऑफ वजाइना. यहाँ पर क्या हो रहा है, यूट्रस इज़ गेटिंग प्रोलैप्स, और जैसे जैसे वो नीचे आता है उसके साथ ही साथ वो वजाइना को इन्वर्ट करके बाहर लेके आता है. इसको समझाने के लिए मैं यूजुअली ये आई ऑलवेज यूज़ दिस एग्जांपल ऑफ सॉक्स. लाइक सपोज दिस इज़ द अपर पार्ट इज़ द यूट्रस एंड दिस इज़ द वजाइना. सो अगर यूट्रस प्रोलैप्स होगा तो उसके साथ यू कैन सी दैट दिस इज़ वजाइना का जो इनर पार्ट है, ठीक है, ये अंदर का उसका सर्फेस है और ये आउटर सर्फेस है. सो यू कैन सी दैट जब वो यूट्रस प्रोलैप्स होगा तो यूट्रस जो है वो इस तरह से नीचे आएगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दिस. ये सपोज वजाइना है. सो यूट्रस जब नीचे आने लगता है तो उसके साथ ही साथ वो वजाइना को उल्टा करके बाहर लेके आता है. नाउ यू कैन सी द आउटर इनर सर्फेस ऑफ वजाइना. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्शन ऑफ वजाइना. ओके, नाउ डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, मतलब हम लोगों ने क्लिनिकली कितना ज़्यादा प्रोलैप्स हुआ है उसके लिए डिग्री में उसका एक्सप्लेन किया गया है. इसके दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है. एक शॉस क्लासिफिकेशन है जिसमें 4 डिग्रीज दिए गए हैं, और इसमें ये एक दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसमें कि 3 डिग्रीज ही दिया है. तो फर्स्ट डिग्री इज द सर्विक्स एंड द यूट्रस बॉडी डिसेंड्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन बट इट इज़ इन द वजाइना. सो दिस इज़ द पिक्चर, दिस इज़ नॉर्मल प्रोलैप्स नहीं हुआ है यहाँ पे. दिस इज़ द फर्स्ट डिग्री. यू कैन सी दैट जो यहाँ पे सर्विक्स रहना चाहिए था लेकिन वो वजाइना में नीचे आया हुआ है, लेकिन इट इज़ स्टिल इन साइड वजाइना, इट इज़ नॉट कमिंग आउट. नाउ द सेकेंड टाइप इज़, सेकेंड टाइप में द सर्विक्स डिसेंड्स एट और आउटसाइड वजाइनल इंट्रोइटस बट बॉडी ऑफ द यूट्रस इज स्टिल इन साइड. तो इस पिक्चर में इसे दो प्रकार से दिखे, एट एंड आउटसाइड. यू कैन सी कि और ज़्यादा प्रोलैप्स हुआ है, इसको यहाँ पे सेकेंड डिग्री बताया गया है कि इट हैज़ कम टिल द इंट्रोइटस. और शॉज में एक और टाइप इसको अलग से दिखाया गया, दैट इज़ कि इट हैज़ कम आउट ऑफ द इंट्रोइटस, जो सर्विक्स और ज़्यादा डिसेंट होकर यूट्रस सॉरी इंट्रोइटस वजाइनल इंट्रोइटस के बाहर आ चुका है. एंड द थर्ड डिग्री विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कम्प्लीट प्रोलैप्स और प्रोसीडेंशिया. ये यूजली एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वर्ड. सो प्लीज़ रिमेंबर, प्रोसीडेंशिया मतलब होता है कम्प्लीट प्रोलैप्स. इसमें होल ऑफ द यूट्रस डिसेंड्स आउटसाइड द वजाइनल इंट्रोइटस एंड वजाइना इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन्वर्टेड, जो मैंने अभी आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. सो यहाँ पर यूट्रस जो है पूरी तरह से बाहर आ जाता है और जो वजाइना जो है वो इन्वर्ट होके, ये जो पार्ट दिख रहा है ये वजाइना का इन्वर्टेड पार्ट है जो हमको बाहर से नज़र आता है. सो लेट्स गो टू द एटियोलॉजी नाउ. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स. सो सबसे पहला है, मैंने इसमें दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, ए एंड बी. फर्स्ट इज़ वीकनेस ऑफ सपोर्ट्स ऑफ पेल्विक ऑर्गन एंड सेकेंड इज़ रेज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर. यूजुअली हम इसे 1, 2, 3, 4, 5 सीज करके अगर आप याद रखेंगे तो इट विल बी ईजी टू रिमेंबर फॉर एग्जाम. सो वीकनेस ऑफ सपोर्ट्स ऑफ पेल्विक ऑर्गन में यू हैव 2-3 टाइप्स, कंजेनिटल, चाइल्ड बर्थ एंड क्लाइमैक्ट्रिक. आई होप यू रिमेंबर कि यूट्रस के बहुत सारे सपोर्ट्स होते हैं जिसकी वजह से यूट्रस जो है अपने पोजीशन पे मेंटेन रहता है, जैसे कि ब्रॉड लिगमेंट, राउंड लिगमेंट, देन ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगमेंट, प्यूबो
प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सारे जो सपोर्ट्स है यूट्रस के, तो कुछ कुछ बच्चों में कंजेनिटली ही, फीमेल चाइल्ड में कंजेनिटली ये वीकनेस रह सकता है यूट्रस के सपोर्ट्स का, जिसकी वजह से यंग वर्जिन्स में, यानी कि वुमेन दैट गर्ल हैज़ नॉट गॉट प्रेग्नेंट और गिवन एनी चाइल्ड बर्थ बट स्टिल शी मे गेट प्रोलैप्स. सो कंजेनिटल इज दिस इज सीन इन यंग वर्जिन्स ड्यू टू डेवलपमेंटल डिफेक्ट इन सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस. Then the second type is childbirth. This is the most common cause. This is acquired genital prolapse due to childbirth trauma to pelvic supports following poor or mismanaged intranatal care. So at the time of delivery, अगर the person is not skillful and not having proper knowledge और वो mismanage करता है delivery के time पर, मतलब baby को बाहर लाने के लिए उसको pull किया जा रहा है without understanding कि अंदर में कुछ obstruction है या कुछ, तो इस वजह से ट्रॉमा हो सकता है पेल्विक सपोर्ट्स को और सपोर्ट को, जिसकी वजह से आफ्टर डिलीवरी आफ्टर फ्यू डेज पेशेंट में डेवलप प्रोलैप्स. ओके, देन इसमें एक और थिंग इज दैट विच वॉज कॉमनली सीन पुराने दिनों में देखा जाता था, अब भी ये नहीं होता है, कि रिपीटेड डिलीवरीज ऑल्सो, बहुत सारे बच्चे होने की वजह से भी रिपीटेड डिलीवरीज मल्टी ग्रैंड मल्टी पैरा लोगों में ये प्रॉब्लम देखा जाता था. बट आजकल तो ज़्यादातर फैमिली साइज छोटा ही है, सो इट इज़ दैट कॉज इज नॉट मच देयर नाउ अडेज. Now the third type is climacteric menopausal atrophy of pelvic support. As you know that as the woman is approaching menopause, हमारे सारे organs जो है वो atrophic होने लगते हैं, तो जो support होता है pelvic support वो भी atrophic होने लगता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है. So उस वजह से menopausal age में भी women में ये देखा जाता हो सकता है ये problem prolapse का. नाउ नेक्स्ट इज रेज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. जो जो कारणों से हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बार बार रेज होता है, तो उस वजह से भी कुछ लोगों में प्रोलैप्स हो सकता है, जैसे क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से वीमेन इज ट्रेनिंग एट स्टूल वेरी हार्ड एवरी टाइम, ऑल दिस एंड देन हैवी वर्क लाइक लिफ्टिंग हैवी वेट एंड प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, इन सब कारणों की वजह से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और इस वजह से जेनाइटल प्रोलैप्स हो सकता है. नाउ प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग से किस तरह से ये हो सकता है ये जेनाइटल प्रोलैप्स, उसके लिए मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है. प्रोलैक्टिन जो है जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर रिलीज होता है, दैट ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन, सो देर इज़ डिक्रीज ईस्ट्रोजन थ्रू आउट ब्रेस्ट फीडिंग, एंड डिक्रीज ईस्ट्रोजन की वजह से वीकनेस पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो सकते हैं. सो अगर कोई बहुत ज़्यादा दिनों तक ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू जेनाइटल प्रोलैप्स. नाउ लेट्स गो टू क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स में पहले मैंने सिम्टम्स लिखा हुआ है, तो पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ SCOPV, दैट इज समथिंग कमिंग आउट पर वजाइना, पेशेंट से इसकी कुछ वजाइना के बाहर आ रहा है, लाइक दैट शी कम्स एंड टेल्स यू. देन सेक्रल एंड लंबो सेक्रल बैकिक ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ पेल्विक टिश्यू, एज मेनी ऑफ द पेल्विक सपोर्ट्स आर अटैच टू आवर सेक्रल एंड पेल्विक बोन्स, सो बिकॉज ऑफ दैट जैसे जैसे जो ऑर्गन्स नीचे की तरफ आते हैं, तो उनका जो लिगामेंट्स है वो स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से वुमेन में हैव सेक्रल एंड लंबो सेक्रल बैकेक. देन शी मे हैव ल्यूकोरिया विच इज़ एसोसिएटेड विद सर्विसाइटिस. सर्विसाइटिस क्यों हो रहा है? बिकॉज सर्विक्स इज कमिंग आउट ऑफ द वजाइनल इंट्रोइटस, सो इट गेट्स एक्सपोज टू द एनवायरमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स इन्फ्लेम्ड, उसकी वजह से वुमेन में गेट ल्यूकोरिया. देन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स आर नॉट कॉमन, बट मेट्रोरेजिया में आकर ड्यू टू द ब्लीडिंग फ्रॉम डेक्यूबिटस अल्सर. डेक्यूबिटस अल्सर यानी प्रेशर अल्सर, जब ऑर्गन बाहर की तरफ प्रोलैप्स हो जाता है एंड वेमेन इज वॉकिंग एट दैट टाइम, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जब इस तरह से बाहर प्रोलैप्स हो जाता है, तो वेन द वेमेन इज वॉकिंग इट गेट्स रब्ड बिटवीन द टू थाइज, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर अल्सर्स हो जाते हैं और दैट में समटाइम्स ब्लीड, विच कैन बी टर्म्ड एज मेट्रोरेजिया इन दिस केस. और फिर डिफ़िकल्टी इन एम्प्टिंग ब्लैडर, जैसा कि मैंने सिस्ट्रोसेल में बताया था कि जैसे ये ब्लैडर जो है पूरा इस तरह से प्रोलैप्स हो रहा है, तो जब वीमेन पास करती है यूरिन, तो जो ये पार्ट का जो यूरिन है वो एम्प्टी नहीं हो पाता, सो द देर इज़ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर
इन केस ऑफ सिस्टोसिल, एंड धीरे धीरे वुमेन खुद समझ जाती है और सीख जाती है कि जब वो जो भी चीज़ बाहर प्रोलैप्स हो रहा है उसको अगर वो अंदर पुश करती है तो दैट हेल्प्स इन एम्प्टिंग द ब्लैडर. सो नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, विच इज मे बी ड्यू टू सिस्टाइटिस एंड इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर. क्योंकि ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, यूटीआई होने की वजह से भी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन हो सकता है, या फिर क्योंकि ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो रहा है, वो बार बार भर जाता है जल्दी, सो दैट लीड्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन. देन देयर मे बी एसयूआई, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन केस ऑफ एसोसिएटेड यूरेथ्रोसील ड्यू टू फेलियर ऑफ स्फिंक्टर्स. तो जैसे मैंने बताया था कि अगर यूरिथ्रोसील है तो उसकी वजह से यूरिथ्रा के जो स्फिंक्टर्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वीमेन गेट मे गेट एसयूआई. जैसे कि कोई भी एकदम ज़ोर से कॉफ आया या इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर किसी भी रीज़न से बढ़ा, जैसे कि कुछ वेट लिफ्ट किया या बैठी, तो प्रेशर की वजह से थोड़ा सा यूरिन लीक आउट हो जाता है. ऐसे कंडीशन को स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. देन इन केस ऑफ एसोसिएटेड रेक्टोसिल देयर में भी कॉन्स्टिपेशन और डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग बॉवल. तो मैंने जैसे कि सिस्टोसिल में बताया, वैसे ही रेक्टोसिल में भी इस वजह से यहाँ पे जो स्टूल रहता है वो यहाँ आकर अटक जाता है, जिस वजह से पेशेंट को स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. Now let's see the signs of genital prolapse. Women is usually in childbearing or postmenopausal age who is always parous. Rarely it is seen in nulli para or below 25. जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ लोगों में congenital weakness की वजह से होता है, but that is very rare. Normally जो women में ये case देखा गया है वो या तो childbearing age की होती है या postmenopausal. ये climatic reason की वजह से ये time पर उन्हें होता है prolapse. Then general health is fair, maybe slightly anemic. Women is slightly anemic, but that is common in our country. It is not related to this condition. Then per abdomen, abdomen is found to be, जब हम abdomen examination करते हैं तो abdomen is lax, and per vaginal examination में patient is told to strain or cough. जब हम पीवी करे वो टाइम पे पेशेंट को हम बोलते हैं कि टू स्ट्रेन और कफ, तो ऐसे हम फिर वी विल नोट द लैक्सिटी ऑफ पेरिनियम, बल्जिंग ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल में भी नोटेड सिस्टोसील, दैट मींस कि पेशेंट को सिस्टोसील है. बल्जिंग ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में भी नोटेड, दैट इज रेक्टोसील. एंड डिसेंट ऑफ सर्विक्स में भी नोटेड विद इन द वजाइना. ओके, सो and in case of complete prolapse, protrusion of mass outside the vagina is seen, which is characteristic of second or third degree prolapse. So this was sign and symptom, and as this video is getting very prolonged, I'll be posting second part of the video, which जिसमें कि मैं management और उसके surgeries को discuss करूँगी. So for now, bye bye from my side, and please check for the second part of the video by next week. Thank you and bye bye. Keep watching and keep sharing my videos.